किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा है टॉप 5 सॉफ्ट स्किल्स आपके हिसाब से हम जो डेवलप कर सकते हैं और किस तरीके से उसको डेवलप करें। सबसे पहला मैं बोलूंगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही जरूरी चीज है। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि इंग्लिश में आप अच्छे हो या फिर हिंदी में आप अच्छे हो या फिर आपको कोई लैंग्वेज आती है, आप फ्लुएंट हो उस चीज के अंदर, आप बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज करते हो। कम्युनिकेशन का मतलब है आप जो बताना चाहते हो सामने वाले आराम से उसको समझ पाते हैं। दिस इज कम्युनिकेशन। ठीक है, अभी मैं इंग्लिश भी यूज कर रहा हूँ, हिंदी भी यूज कर रहा हूँ, तो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स कहेंगे कि दिस ये एक चीज गलत है, क्योंकि आप अगर हिंदी बोल रहे हो तो आपको हिंदी बोलनी चाहिए, अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो तो आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। पर जो मैं बोल रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है, तो ये इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, अगला स्किल है लीडरशिप स्किल। अब लीडरशिप स्किल्स की अगर बारे में बात करूं तो कई लोग कहेंगे कि भाई ये बॉर्न टैलेंट होता है, और कई लोग कहते हैं ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है। मैं उस मेंटेलिटी से हूं जो लगता है कि शायद ये बॉर्न टैलेंट होता है। बॉर्न टैलेंट नहीं होगा, मतलब जिस तरीके से आपकी अपब्रिंगिंग होती है ना, तो उसके हिसाब से आपके अंदर वो क्वालिटीज आ जाती है। अब कैसे इसको डेवलप किया जाए, अगर आप बहुत ज्यादा आपकी एज हो चुकी है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर वो चीज नहीं है तो आप कितनी मेहनत कर लो आप वो नहीं ला पाओगे। हाँ, आप सूडो लीडर बन जाओगे पर आप प्रॉपर लीडर नहीं बन पाओगे। पर अगर आपके अंदर वो, अगर आपकी एज कम है और आप डेवलप करना चाहते हो, तो मेरा मानना है स्पोर्ट्स खेलो। जितना ज्यादा स्पोर्ट्स खेलोगे उतना ज्यादा लीडरशिप प्रॉपर्टी डेवलप होती है। कैप्टन बनो, जैसे मैं अपने क्रिकेट की बात मैंने कई बार बताई है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है तो मैं कैप्टन बनता था पहले के टाइम पे, क्योंकि मैं उस टाइम पे अच्छा खेलता था। मैं फास्ट बॉलिंग भी डाल लेता था, मैं बैटिंग भी कर लेता, मैं फील्डिंग भी ठीक कर लेता था। तो गली क्रिकेट में यही होता है, जो सबसे अच्छा खेलता है उसको कप्तान बना देता, तो मैं यही होता था कि कप्तान बन गया। उसके बाद सब मेरी सुनते थे कि इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। जब मैं इंजीनियरिंग करने के लिए गया, इंजीनियरिंग के बाद आया तो मैंने वो चीज छोड़ दी, क्योंकि जिनके साथ मैं खेलता था मैंने कहा यार तुम बना करो, तुम बांटा करो टीम, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम कैसा खेल रहे हो। क्योंकि इंजीनियरिंग के अंदर मैं दिल्ली से बाहर रहता था, जब मैं आता था लोगों के साथ खेलने के लिए तो बहुत सारे नए बंदे होते जिनके मैंने शक्लें नहीं देखी होती थी और मुझे पता ही नहीं वो कैसा खेलते हैं। तो मैं उनको कहता यार तुम बांटो, बांटते वो थे पर एक लीडर मैं बन जाता था। जो असली में लीडर होता था वो सूडो लीडर हो जाता था। मैं कहता था कि यार ये ओवर ये डालेगा, ये ओवर ये डालेगा। अगर वो जो कप्तान भी बनता था वो भी एक बार मुझसे पूछ के डिसीजन लेता था कि यार बॉल डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बैठ के हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो लीडरशिप का मतलब कप्तानी नहीं थी, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये मेरे स्किल डेवलप होते चले गए। तो लीडरशिप स्किल मेरी लर्निंग तो स्पोर्ट्स से रही, तो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा स्पोर्ट्स खेलो, वहां से लीडरशिप अच्छी मिलती है। अगला पॉइंट है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मेरे हिसाब से अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। ऐसे देखो सिंपल सिंपल टॉप 5 पूछे, मैं टॉप 5 ही बता रहा हूं जो कि मेरे हिसाब से। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या हुआ कि आपको चीजों को ढंग से समझना है और डिटेल के अंदर समझने की कोशिश करनी है। अगर आपने कोई कंसेप्ट समझा है तो आपको सोचना है कि वो कंसेप्ट कैसे काम करता था, क्यों मेरे को बताया गया, किसी ने मेरे को कुछ बोला तो क्यों बोला। अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हो तो आप उसके अंदर भी डिटेल के अंदर सोच रहे हो कि बिजनेस के अंदर क्या हो सकता है, ऑडियंस क्या सोचती होगी, आप बैठ के दिमाग से सोचते हो एक चीज को। ये नहीं होता किसी ने कहा ऐसा होता है जी, ठीक है जी ऐसा होता है, जो आपने कहा सर आंखों पे। न्यूज के अंदर आज कुछ भी चल रहा है, आप जो भी बंदा आपको बोलता है वो सच मान लेते हो। क्रिटिकल थिंकर ऐसी बात नहीं मानता। क्रिटिकल थिंकर उसको एनालाइज करता है कि ये चीज बोली गई ये जेन्युइन है या फिर नहीं है। वो एक बार रिसर्च भी कर लेता है चेक करने के लिए, उसका दिल नहीं मानता कि यार ये चीज गलत भी हो सकती है, तो वो जाके उस पर शक करता है। तो शक करना इज क्रिटिकल थिंकिंग। तो बहुत डीप है क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग तीसरा स्किल है मेरे हिसाब से। चौथा और पांचवा पॉइंट है डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग को समझने की कोशिश करते हैं। डिसीजन मेकिंग, आपको लाइफ में कोई भी चीज करनी है ना उस पर डिसीजन तो लेना पड़ेगा, चाहे आप लीडर हो चाहे कुछ भी हो, तो आपका डिसीजन अच्छा जाए और वो चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। और डिसीजन मेकिंग ऐसा नहीं आती है, डिसीजन मेकिंग डिसीजन लेके आती है। तो अगर कोई बंदे डिसीजन लेने से कतराते हैं ना तो कुछ नहीं हो पाता उन लोगों का। जैसे मैं कहता हूं कि अभी इस वीडियो को लाइक करो, और अगर आप कतरा रहे हो नहीं यार लाइक नहीं करना लाइक नहीं करना लाइक नहीं करना, तो आप अच्छे डिसीजन मेकर नहीं हो। इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो 5 लोगों के अंदर, आपको अच्छा लगा आपका मन कर रहा है पर आप नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो आप एक अच्छे डिसीजन मेकर नहीं हो। या फिर आपने क्रिटिकल थिंकिंग वाला दिमाग लगा, भाई मेरे को सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा है, कुछ ना कुछ तो सीन होगा, क्यों कर रहा है, सब्सक्राइब करूंगा तो बहुत पैसा कमाएगा, अमीर हो जाएगा, करोड़पति बन जाएगा। तो आप क्रिटिकल थिंकर बन गए और आपने मेरी बात मान ली, तो यहां पर मेरी लीडरशिप प्रॉपर्टीज आ गई, मैंने आपके ऊपर लीडरशिप अपनी लगाई। और मैं जो आपको जिस तरीके से बता रहा हूं समझा रहा हूं, मैं अपनी कम्युनिकेशन पावर का यूज कर रहा हूं। तो जो हमने स्किल्स के बारे में बात करी वो अभी यूज हो रहे हैं हमारे, जो हम कर रहे हैं अभी, जो भी मैंने डिस्कशन करी इसके अंदर सारी चीजें यूज हुई है। और इसी के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आता है।
प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब अगर कोई भी चीज के अंदर आप फंस गए तो आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है कैसे भी करके, हाथ नहीं खड़े कर देने। मैं अपनी कंपनी के अंदर भी बंदे हायर करता हूँ, मैं प्रॉब्लम सॉल्वर्स ही रखता हूँ। कहना आसान होता है आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, पर प्रॉब्लम सॉल्वर का मतलब ये होता है कि उसको आप कोई भी प्रॉब्लम ला के दे दो ना, वो बंदा कहीं ना कहीं से उसको सॉल्यूशन ढूंढेगा, चाहे वो इंटरनेट से ढूंढे, कहीं जैक लगाए, किसी बंदे से बात करे, कुछ भी करे, वो उसका सॉल्यूशन ला के देगा, जिसको हम कहते हैं जुगाड़ू आदमी। तो जुगाड़ू आदमी बनना है अपने को जिंदगी में। अब प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बना जाए जुगाड़ू बन के, इसके ऊपर कोई स्किल नहीं है, ठीक है, आपको ये अपने अंदर मेंटेलिटी लानी पड़ेगी कि मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहता हूं। तो कोई भी लाइफ में अगर चैलेंज आता है, प्रॉब्लम आती है, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो।